हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 8, व्हाट इज अराउंड अस। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, टू डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक, स्फीयर मीन्स लेयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स लेयर। इन दिस लेक्चर I will explain you other two sphere, that is atmosphere and biosphere, and what are the effects on this sphere due to our human activities. Page number 8 of your textbook, atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. What is atmosphere? It is that sphere which is covered by air. As I said, it is covered by air, gas, etc., and sphere is layer. It extends approximately 16 km from the surface of the earth. What is its extension? It is 16 km from the surface of the earth. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere. We are not able to see like lithosphere and hydrosphere. It is composed of various gases, dust particles, water vapor, smoke, salt and microorganism. It is colorless, odorless and transparent. Solid, liquid, gaseous, all three elements are present in atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% of oxygen and 1% of other gases. When we go high, जब हम surface of the earth से higher जाते हैं, कुछ gases जो air में होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो हैवी है, सो मोस्टली इट इज फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। ओजोन गैस इज वेरी स्मॉल प्रपोर्शन फाउंड इन एयर। नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शन? इट रियली प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, ये रेस को एब्जॉर्ब करता है, सन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। दिस गैस इज फाउंड इन मोर प्रपोर्शन इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। पेज नंबर 9 में राइट हैंड साइड पे एक पाई चार्ट डायग्राम दिया गया है और इसमें अमाउंट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट किया गया है। जैसे नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20.99 एंड अदर गैसेज 0.98। गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग क्रीचर्स एंड अर्थ। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमोसफियर। हीट की वजह से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट होके एयर में मिक्स हो जाता है और मॉइस्चर, और जो प्रोसेस कूलिंग होता है वेपर का उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अलग अलग फॉर्म ऑफ मॉइस्चर जैसे ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। नाउ द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बीइंग, लाइक फूड हैबिट्स में, क्लोथिंग में, कलर में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में दिखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं। Now, dust particles also plays a major role. Due to this dust particles, it never turns suddenly dark when there is a sunset. जब sunset होता है तो suddenly dark नहीं होता है, और suddenly bright भी नहीं होता है जब sunrise, और ये atmosphere में dust particle के presence की वजह से होता है। Sun rays are also reflected back dust particle के help से ही, और surface of the earth में light आता है। We are able to listen the sound with the presence of atmosphere, and that is why radio or Doordarshan telecast possible hai atmosphere ke wajah se. Page number 10. Now the last domain or last sphere of the earth, that is biosphere. This biosphere is the combination of all the three sphere. The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Where the living world exists, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ये एक इम्पॉर्टेंट स्फीयर है अर्थ का। अर्थ अकेला एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें बायोस्फीयर है।
Now, biosphere includes what? Vegetation, animal, insects and human. We obtain food and other necessary things. काफी necessary things भी हमें biosphere से मिलती है. We cannot live without, हम vegetation और animals के बगैर नहीं रह सकते. So, biosphere is divided into two. Non-living, non-living यानी तीन sphere. Lithosphere, hydrosphere और atmosphere. और living, living यानी plant, animal और दूसरे micro organism. इसी पेज में नीचे कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर दिए गए हैं. ये कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर में नेचर, मैनमेड, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में दिया गया है. नाउ ऑन पेज नंबर 11. नाउ इन दिस पेज वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट. के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट्स होते हैं जब ह्यूमन में हार्म करने लगते हैं. जब हम स्फीयर्स में ज़्यादा इंटरफियरेंस करने लगते हैं तो हर एक स्फीयर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, नोइंगली एंड अनोइंगली. ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अनोइंगली काफ़ी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से सभी स्फीयर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और ये सारे स्फीयर डेंजर में आ जाते हैं. अब कैसे लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है? जब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी ड्रिलिंग करते हैं मिनरल ऑयल का, एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स का करते हैं, तो लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस कॉज होता है. जब डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेज एंड सिटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम पानी में डालते तो पानी पॉल्यूट होता है. पोलार कैप्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट होने लगा है. जब ऑयल स्पिल होता है पानी में, डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट जाता है, तो पानी के अंदर जो मरीन लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है. अब एटमॉस्फेयर में कैसे इम्बैलेंस क्रिएट होता है? हार्मफुल गैसेज जो इंडस्ट्री से एमिट होती है, वर्कशॉप से एमिट होती है, पावर स्टेशन से आती है और व्हीकल से, वो सभी चीज़ एयर को पॉल्यूट करती है. एरियाज विद हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में ज़्यादा होता है और अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोऑक्साइड इंक्रीज होगा, सॉरी अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है जब हम ट्री को ज़्यादा कट करते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो अर्थ में हीट ज़्यादा हो जाती है और इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी से बायोस्फीयर यानी कि ये तीनों स्फीयर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हम हमारे एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखें और ये तीनों स्फीयर में इम्बैलेंस क्रिएट ना. अगर जब ये तीनों बैलेंस में, तीनों स्फीयर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो इकोसिस्टम हार्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग, टू मच ऑफ पॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें क्रिएट होगी और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म होगा. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट क्रिएट टू मच ऑफ पॉल्यूशन. हियर आई कंप्लीट द चैप्टर नंबर